नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी वीडियो में जहाँ पे एक 15 साल की लड़की को आज हम लोग न्याय दिलाने वाले हैं। कहने का मतलब है कि ये जो दास्तां है, ये जो सच्ची घटना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है ताकि इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। सरकार के अगेंस्ट जो सरकार काम कर रही है वो लोगों के अगेंस्ट में है। सरकार अभी तक इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से किस तरह से इस चीज़ को आगे और उठाया जाए। हम बात कर रहे हैं दुमका की एक घटना जहां पे कि एक 15 साल की लड़की को जिंदा जला दिया गया। जी हाँ, एक शाहरुख नाम का एक लड़का जिसे वो एक तरफा प्यार करता था। दोस्तों, शाहरुख जो है कह सकते हैं कि एक ऐसा लड़का है जो कि उस लड़की जिसका नाम अंकिता बताया जा रहा है उसको एक तरफा प्यार करता था, यानी वो चाहता था कि वो उससे दोस्ती करे। लड़की को वो बार बार फ़ोन कॉल के जरिए हो, सामने जा कर के हो, जब भी वो कोचिंग जाती, बाहर जाती, तो उसके सामने आ कर के वो कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से उसको अपना दोस्त बनाया जाए। तो दोस्तों, इसके अगेंस्ट में लड़की थी, लड़की नहीं चाहती थी कि वो उससे दोस्ती करे, बार बार नकारा जाता था। दोस्तों, ये जो लड़की अंकिता और लड़का शाहरुख दोनों के बीच में सबसे पहली बार कोचिंग सेंटर जब वो जा रही थी तब शाहरुख ने उसे देखा। उसके बाद जो उसके मन में एक कह सकते हैं ख्याल आया कि इस लड़की से अपना दोस्ती बढ़ाऊँगा, इससे प्यार करूँगा, बहुत सारे कुछ मन में विचार आए जो कि एक आम तौर पे होता रहता है। तो इसी चीज़ को वो बार बार वो कहना चाहता था, करना चाहता था, उससे दोस्ती करना चाहता था, उससे प्यार करना चाहता था, जो भी हो, लेकिन लड़की नहीं चाहती थी उसको। लड़की बिल्कुल भी उसे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहती है, बस इसी बात को। और वो लगातार जो कह सकते फ़ोन कॉल करता था कि तुम्हें, अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगी या तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो तुमको मार दिया जाएगा। बहुत बार ये घटना जो कह सकते हैं कि इस बात की जिक्र किया गया लड़की की तरफ से मरने से पहले की वीडियो में। तो इस चीज़ को कह सकते हैं लड़की ने साफ साफ नकारा। उसका अंजाम उसको 23 तारीख को रात में देखने को मिला, जब वो सो रही थी एक खिड़की के सामने। जब वो सो रही थी तब शाहरुख ने एक बोतल में पेट्रोल लेकर के उसके ऊपर फेंका। जब लड़की को लगा कि शायद बारिश हो रही है, जब तक वो रिएक्शन देती तब तक उसने माचिस में आग लगा करके फेंक दिया था उसके शरीर के ऊपर। उसके बाद वो जलते जलते बचाओ बचाओ पापा बचाओ इस तरह की बहुत बार उसने कहा, उसके अपने पापा के पास कही, किसी भी तरह से उसको मतलब, यानी तब तक 40-50% उसका शरीर जल चुका था। उसके बाद जो कह सकते हैं कि उसे भर्ती कराया गया और भर्ती कराने के दौरान, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बस इसी चीज़ को लोगों ने जो कह सकते हैं कि जब देखा ये सारी बातें को तब उनके मन में गुस्सा आया। उसके बाद पुलिस हरकत में आई, उसके बाद शाहरुख नाम के लड़के को गिरफ्तार कर दिया गया। दोस्तों, सज़ा की मांग अभी चल रही है लोगों में कि उसको फांसी होनी चाहिए। फांसी होने से पहले मैं बता दूँ, हमारी कानून जो है वो बहुत स्टेप जा कर के फांसी की सज़ा सुनाया जाता है, उसके बाद फांसी देने में भी कई साल लग जाते हैं। तो इसको जो कह सकते हैं वहाँ की जो SP है दुमका की, उसने निवेदन किया है कि इस ये जो पूरी सिलसिला है और ये पूरा केस है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको जल्द से जल्द सज़ा मिला जाए। दोस्तों, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन इसका अपडेट आपको मिलता रहेगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये एक सच्ची घटना झारखंड की दुमका गाँव की है जहाँ पर एक मनचले ने अपनी जिद पूरी करने के लिए एक लड़की को जिंदा जला दिया। हर चीज़ का अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलेगा और इस केस का भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।